नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वराज एक्सप्रेस में हूं आपके साथ दुष्या। सबसे पहले खबर आपको बता रहे हैं छत्तीसगढ़ से, जहां छत्तीसगढ़ में आज से धान खरीदी शुरू हो गई है। प्रदेश के 2058 केंद्रों में 1815 और 1835 रुपए की दर पर 15 फरवरी तक धान खरीदी की जाएगी। धान खरीदी के लिए इस साल 54 नए खरीदी केंद्र बनाए गए हैं, जबकि 58 मंडियों और 76 उप मंडियों के प्रांगण का उपयोग भी खरीदी के लिए किया जा रहा है। वहीं सरकार की ओर से घोषित 2500 रुपए की अंतर राशि किसानों को अलग से दी जाएगी। धान खरीदी को लेकर खाद्य मंत्री अमरजीत भगत ने सभी जरूरी इंतजाम करने के निर्देश दिए थे, जिससे किसानों को किसी भी प्रकार की परेशानी ना हो। धान खरीदी की ताजा स्थिति की जानकारी रायपुर से हमारे संवाददाता कुछ ही देर में देंगे, लेकिन हम आपको बता दें कि आज से धान खरीदी केंद्रों पर विशेष ध्यान सरकार दे रही है और लिहाजा 54 नए खरीदी केंद्र भी खोले गए हैं। और ज्यादा जानकारी के साथ लाइव हमारे साथ हेमंत शर्मा जुड़ गए हैं। हेमंत, जैसा कि नए खरीदी केंद्र भी खोल दिए गए हैं, विशेष इंतजाम सरकार की ओर से नजर आ रहे हैं, और क्योंकि इस वक्त हम देख रहे हैं कि पीछे आप एक खरीदी केंद्र पर ही मौजूद हैं, मौजूदा हालत क्या है, कितने प्रशासन ने इंतजाम किए हुए हैं? देखिए, दूसरा प्रदेश भर में धान खरीदी की शुरुआत आज से हो गई है और 15 फरवरी 2020 तक जो धान खरीदी है उसका काम यहाँ पर चलता रहेगा। अगर पूरे लक्ष्य की बात की जाए तो 85 लाख टन मीट्रिक धान खरीदने का लक्ष्य सरकार ने रखा है, और इस बार देखा जाए तो 15 दिन का लेट है धान खरीदी में। तो ऐसे में यहाँ पर शुरुआत हुई है तो बड़ी संख्या में जो किसान है वो अपना धान लेकर मंडियों तक पहुंच रहे हैं। मैं भी राजधानी से कुछ किलोमीटर दूर ग्राम जोरा में हूँ, यहाँ पर भी धान खरीदी केंद्र बनाया गया, जहाँ पर जो किसान है वो अपना धान लेकर यहाँ पर पहुंच रहे हैं। हालांकि जो 2500 समर्थन मूल्य देने का जो सरकार ने वादा किया था उसको लेकर थोड़ा सा भ्रम यहाँ पर जरूर है। अभी 1835 के आसपास रुपए में खरीदी यहाँ पर हो रही है। हमारे साथ किसान और यहाँ के जो मंडी के प्रभारी हैं उनसे बात करेंगे। कितना लक्ष्य रखा गया है यहाँ पर इस मंडी पे? 13,500 क्विंटल खरीदी 265 किसानों का। क्या क्या व्यवस्थाएं अभी यहाँ पर कर ली गई हैं? व्यवस्था तो पूरा हो गया है, त्रिपाल का व्यवस्था हो गया है, ड्रेनेज का व्यवस्था हो गया, धान खरीदी बोरा वगैरह सभी का पूरा व्यवस्था कर लिया गया है। बारिश से बचने के लिए अगर हुई तो? बारिश से बचने के लिए त्रिपाल ले लिया है, त्रिपाल का व्यवस्था हो गया है। कितना रेट अभी निर्धारित है यहाँ पे? मोटे और सरना का है 1815 रुपए और पतले का 1835 रुपए। 1800 15 1835। 2500 को लेकर कुछ किसान यहाँ पर बात कर रहे हैं, तो क्या बता रहे हैं आप लोग उनको? हाँ, अभी किसान लोग पूछते कि 2500 रुपए पहले रेट देने के था तो अभी क्यों नहीं दे रहे हैं, तो बोलते कि शासन का निर्धारित रेट है अभी 1815 1835, उसी में धान खरीदी होगा। देखिए, जो अंतर की राशि है 2500, वो अलग से सरकार ने देने का फैसला किया है और इसके लिए मंत्रिमंडलीय जो समिति है वो बनाई गई है। बजट सत्र के पहले यहाँ पर जो कमेटी है वो सरकार को रिपोर्ट सौंपेगी और उसके बाद किस तरीके से किसानों के खाते में जो 2500 रुपए है वो जाना है वो तो तय होगा। कुछ किसान भी है, उनसे बातचीत करते हैं। धान खरीदी की शुरुआत हुआ आज से, 15 दिन लेट हुआ है तो ओकर से कुछ परेशानी थोड़ी हुई? नहीं, मैं नहीं बोला, बोल लेके आया। मैं तो 400 बोल रहा हूँ। 400 जी। आप कितने का लाए? वही है, दोनों की है, एक ही है ना। अच्छा, तो आप कितना में खरीदे थे अभी? 1800 1800 15 15। 2500 कहीं सरकार वादा कर रही से, ओकर लिए कुछ जानकारी है आपके? नहीं, अभी कहाँ जानकारी है अभी। तो पूछत नहीं है मंडी में आके कि 2500 का आपने? अब मालूम तो नहीं है, तो काशे काला पूछते हैं। खाता माही नहीं आए तो? खाता माही पता है? बोला तो नहीं। कब आई पता? पता नहीं, नहीं पता, नहीं मालूम है। तो कब आएगा? तैयारी संतुष्ट हो आप? चल ठीक है, ठीक है ना। सभी किसान का यही कहना है अब उसका कि जो अंतर की राशि है 2500 समर्थन, उनको ये पता है कि बाद में उनके खाते में आई है, और अभी बात की जाए तो 1835 रुपए में जो धान की खरीदी है वो यहाँ पर की जा रही है। व्यवस्थाओं की बात की जाए तो जो खाद्य मंत्री हैं अमरजीत भगत, उन्होंने पहले ही समुचित व्यवस्था के निर्देश यहाँ पर दिए थे मंडियों में, और उसी तरीके से व्यवस्था यहाँ पर की गई है। बारदाने की व्यवस्था पहले से यहाँ कर ली गई है और 58 नए जो खरीदी
केंद्र हैं वो इस बार पूरे प्रदेश में खोले गए हैं और यहाँ पर 15 दिन का लेट हुआ है और शुरू दिन ही बड़ी संख्या में किसान प्रदेश भर के मंडियों में पहुंच रहे हैं। जी, जैसा कि हेमंत, खरीदी केंद्रों पर पहुंचने जाने वाले किसान जो मौजूद हैं उनसे जानने की कोशिश कीजिए कि किस तरीके का असंतोष या फिर संतोष प्रशासन की तरफ से व्यवस्थाओं को लेकर उनमें है, क्योंकि व्यवस्थाओं को लेकर अधिकारियों को भी निर्देशित किया गया था कि किसानों को परेशानी ना हो। देखिए, निश्चित तौर पर खाद्य मंत्री अमरजीत भगत के साथ साथ जो खाद्य विभाग के अधिकारी हैं उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिया था कि किसी प्रकार की अव्यवस्था का आलम खरीदी केंद्रों पर ना हो। और हम अभी जोरा खरीदी केंद्र पर जब हमने यहाँ पर देखा तो यहाँ पर व्यवस्था ठीक ठाक पाई गई है और किसान भी संतुष्ट नजर आ रहे हैं। हालांकि उनसे एक बार और जानने की कोशिश करते हैं, व्यवस्था ठीक है दादा? यहाँ ठीक है, व्यवस्था ठीक है ना? तो व्यवस्था यहाँ पर ठीक ठाक नजर आ रही है और किसानों का भी यही मानना है। जिस प्रकार मंडियों में जो व्यवस्था करनी रहती है, त्रिपाल, बारदाने, सभी की व्यवस्था यहाँ पर की गई है। इसके अलावा कहीं पर अगर बीच में बारिश होती है तो उसको, धान को ढकने के लिए त्रिपाल की व्यवस्था भी यहाँ पर की गई है। चलिए मन, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। नजर लेकिन आप बनाए रखिएगा, आपसे अपडेट्स लेंगे। फिलहाल शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।